हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं ओमान में कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो माय नेम इज़ राखी पाटिल और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं ओमान में कई सालों से रह रही हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पे ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा यहाँ पे ओमान में रह रहे हैं। ओमान बहुत चेंज होते हुए हमने देखा है, लाइक जब से ओमान में बड़ी बड़ी कंपनीज आना स्टार्ट हुए, बड़े बड़े मॉल्स आना स्टार्ट हुए, से लेके कोविड आ गया, आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। मैं इसलिए ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ बिकॉज हर एक के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है ओमान आने से पहले कि अगर हम जॉब के लिए ओमान शिफ्ट होने वाले या अगर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कोई भी रीज़न के लिए ओमान में शिफ्ट होने वाले हैं तो ओमान में कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है। क्योंकि कोई भी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो हमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ओके फाइन, अगर कंपनी ने मुझे, मान लो एक कंपनी ने आपको अप्रोच किया जॉब के लिए और कंपनी ने एक पैकेज आपके साथ, जो सैलरी का पैकेज डिस्कशन होता है आपका, बट आपको वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पैकेज दिया है ये ओमान के लिए ठीक है या नहीं, बिकॉज हम हमारे होम कंट्रीज के साथ ये सब चीज़ें कंपेयर करते हैं। सो ओमान में अगर आप देखोगे तो फूड से लेके, तो ओमान में आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, आप जैन फूड प्रेफर करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको रेस्टोरेंट्स में आपको ये मिल जाती है। बट अगर आप घर पे प्रिपेयर करना चाहते हो अगर, तो ग्रॉसरी का आप जैसे ले लोगे एक 2 लीटर का, एक अगर फॉर एग्जांपल एक बेसिक जो चीज़ें होती है विच इज़ मिल्क, 2 लीटर का मिल्क आपको मिलेगा 1 रियाल टू 1.1, जैसे आप मजून का ले लो या फिर आप अलबयान का वगैरह जो मिल्क होता है जो हर कोई यहाँ पे मोस्टली यूज़ करता है, तो वो 1 रियाल टू 1.1 का 2 लीटर का, लाइक आप और आपकी वाइफ, लाइक हस्बैंड और वाइफ दोनों आ रहे हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, मिनिमम लाइक मंथली आपका ग्रॉसरी का फूड का खर्चा आप ले लो 100 रियाल। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, लाइक जैसे बच्चे हैं आपके, 1 या 2 बेबी हैं आपका, या फिर या आप हस्बैंड वाइफ हो, तो अगर पूरी फैमिली का आप ले रहे हो तो 150 रियाल तक आपका मिनिमम आपको लग जाता है यहाँ पे। आप 150 रियाल में ग्रॉसरी या फूड यहाँ पे ओमान में उसका कॉस्ट उतना आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रेंट एंड अकोमोडेशन। बहुत सारी कंपनी जो होती है वो हाउस अलाउंस आपको देती है, पक्का आप एक बार चेक कर लो HRA कितना दिया है कंपनी ने, बिकॉज सी यहाँ पे 2 टाइप ऑफ HRA होता है। एक तो कंपनी खुद आपको बोलती है कि आप जो भी फ्लैट, आपको मान लो मिनिमम आप 300 रियाल तक आप ले सकते हो तो आप, हम आपको खुद अकोमोडेशन देंगे कंपनी, या सेकेंड हो कंपनी आपके HRA में आपको बोलेगी कि मैं आपको, हम आपको 300 रियाल देंगे, उसमें आप देख लो आपको उसमें 200 रियाल का लेना है, 100-250 का लेना है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी हमें HRA में इंक्लूड करती है और हमें वो अमाउंट देती है तो यहाँ पे लोग 200-250 का फ्लैट लेते हैं और 50 रियाल उतने ही आपके जेब में सेविंग हो जाती है। मस्कट में एक्चुअली अगर आप अल खुवैर एरिया ले लो या फिर आप अल घुबरा एरिया ले लो या फिर आप जहाँ पे मोस्टली इंडियंस प्रेफर करते हैं और हार्ट ऑफ द सिटी है, पास में बहुत सभी मॉल वगैरह सब कुछ है, पार्क है, इवन बीच वगैरह सब कुछ है, तो आप यहाँ पे अगर आप लेते हो तो आप 1 BHK अगर आप प्रेफर करते हो तो अराउंड 150 रियाल टू 300 रियाल तक आपको 1 BHK मिल जाएगा। अगर आपको कम में चाहिए तो आप ऑब्वियसली रूवी, वादी कबीर, सीब एरिया है, आप मदीनात कबूज जो एरिया है वहाँ पे आप और कम रेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लिटरली 100 रियाल विच इज़ 20,000 जो रेंट है उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या करते हैं ना, जब भी ओमान में आ जाते हैं तब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है वो एक्चुअली जो अब टैक्सी हो गई या फिर टैक्सी खुद प्रोवाइड करती है या फिर कंपनीज जो होती है वो इवन खुद की गाड़ी भी देती है। जैसे मेरे हस्बैंड की पहली कंपनी थी वहाँ पे उनको हुंडई एलेंट्रा मिली थी, जो कंपनी खुद एक उनकी सैलरी से एक कटिंग होती है, लेकिन वो गाड़ी कुछ साल बाद अपनी हो जाती है, तो आप इवन कार लोन ले सकते हो और खुद की कार खरीद सकते हो यहाँ पे। या सेकंड ऑप्शन ये है कि मोस्टली लोग यहाँ पे रेंटा कार भी प्रेफर करते हैं कि एक पर्टिकुलर मंथली एक रेंटा कार होती है, जैसे 250 रियाल 300 रियाल आपको मंथली देने पड़ते हैं,
बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है रेंटा कार, इसलिए मैं आपको ये करूँगी बताऊँगी कि आप मोस्टली जाओ, आप खुद की एक गाड़ी यहाँ पे आओगे तो ले लो, अगर नहीं होती है गाड़ी तो आप शेयरिंग टैक्सी या फिर आप इवन मंथली एक टैक्सी लगा लो तो आप बोलोगे तो 30-40 रियाल आपका मिनिमम कॉस्ट आएगा। फोर्थ थिंग, डेली यूटिलिटी बिल्स होते हैं या फिर आपके जो डेली का जो खर्चा आता है वो है हमारा फर्स्ट इज इंटरनेट, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओमान में इंटरनेट की कॉस्ट आप ले लो मिनिमम 10 रियाल की, आप वाईफाई अगर आप घर में लेते हो और अच्छा स्पीड अगर चाहिए होगा आपको सो 20-30 रियाल में आपको अच्छा स्पीड मिल जाता है यहाँ पे। इट्स अ नीड बिकॉज आपको वाईफाई लेना ही पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज आप नेट पैक जो होता है मोबाइल डेटा वो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा है कि आप वो यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज 1 रियाल का आप यहाँ पे ले लो 3 GB 2 GB आप मिनिमम लाइक मैक्सिमम 3 GB आपको मिलता है, ये पूरे महीने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ओमान में कि वाटर बिल तो अलग होता ही है लेकिन यहाँ पे आपको वीकली आपको बैरल लेना पड़ता है, जैसे पानी का बैरल होता है 20 लीटर का होता है, 1 रियाल का एक बैरल होता है। अगर आप पूरे फैमिली के साथ रह रहे हो, अगर आप 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है मान लो, तो आपको मिनिमम बैरल जो आपको लगेंगे वीकली 3-4 बैरल आपको मिनिमम लगते हैं, तो आप 4 रियाल जो है वो मस्ट आपको देने पड़ेंगे वीकली। तो आप मंथली अगर जाते हो तो आपको 15-20 रियाल आप वाटर का आपको लग जाता है। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल का आप जो गवर्नमेंट का होता है विच इज़ आप अराउंड 10-15 रियाल आप ले लो। नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपका मेडिकल अलाउंस होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। सी मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे ओमान में है, अगर आपको कंपनी के थ्रू आ रहे कोई भी तो यहाँ पे 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर इवन यहाँ पे जो लेबर हैं वर्कर हैं उन्हें भी कंपनीज खुद मेडिकल अलाउंस जो होती है वो देती है। यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है बिकॉज कंपनी खुद वो बेयर करती है, या फिर आप इवन इंश्योरेंस यहाँ पे ले लो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे मेरी डिलीवरी यहाँ पे हुई है, अराउंड मुझे पूरा बेबी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तब से लेके अब मेरा बेबी अभी 9 मंथ का है, तो टोटल 1 रुपया भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एकदम से लाइक रेयर केस है जहाँ पे आपको बहुत अलग से कोई टेस्ट करनी पड़ती, तो कंपनी को जो अलाउंस होता है मेडिकल अलाउंस उसमें वो इंक्लूड नहीं होता है। बट स्टिल आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बच्चों को खांसी जुकाम ये सब चीज़ें होती हैं, तो अगर आप कंपनी उसमें अगर इंक्लूड कर रही है तो आपको 0 रुपीज़ मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे। बट स्टिल आप 10-20 रियाल अगर आप फिर भी आपको अगर अलाउंस है ही नहीं तो आप 10-20 रियाल आप मंथली एक एक्सपेंस उसका कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट स्कूलिंग, अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ओमान में बहुत अच्छा एजुकेशन है, जैसे अगर CBSE बोर्ड है यहाँ पे, जैसे बेबी अगर आपका छोटा बच्चा है तब से लेके 12th तक यहाँ पे एजुकेशन CBSE एजुकेशन मिलता है, तो यहाँ के इंडियंस जो है सभी CBSE बोर्ड मोस्टली प्रेफर करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल भी यहाँ पे, अमेरिकन स्कूल है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, देन इवन श्रीलंकन स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, फिलीपीन स्कूल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। इंडियन स्कूल आप जो भी एरिया प्रेफर करो, जैसे अलखुवर में भी इंडियन स्कूल्स है, घुबरा में है, मस्कट में है, सलाला में इंडियन स्कूल्स है, तो टोटल ओमान में बहुत सारे इंडियन स्कूल्स है। तो आप यहाँ पे अगर आप प्राइमरी और आप मगर मैं मोटा मोटी बताऊँगी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है तो आप मिनिमम 40-80 रियाल लाइक अगर आप सेकेंडरी या हायर एजुकेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो मिनिमम 40-100 रियाल का आपका मंथली इतना एक्सपेंस होता है यहाँ पे। और एजुकेशन भी लोग मोस्टली अगर आप यहाँ से अगर आप इंडिया शिफ्ट हो रहे तो CBSE बोर्ड इज़ लाइक के शिफ्ट भी हो रहे तो आपका वो साल आपके बच्चे का वो वेस्ट नहीं होगा, उसके लिए CBSE बोर्ड इज़ ऑलवेज यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। बट स्टिल आप अलग स्कूल्स में भी बच्चे को डाल सकते हैं, इंटरनेशनल स्कूल एंड एक्सेट्रा। तो आप एजुकेशन का ले लो, आप 50-100 रियाल का आपका बेबी कितना छोटा है या अभी कौन से स्टैंडर्ड में उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल मैंने एक मैक्सिमम 100 रियाल का आप मंथली आप उसका एक ले लो। अगर आपका बेटा बच्चा 10वीं के आगे हैं तो आप उतना आपको खर्चा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट ओमान में। सी एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप मान लो ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मूवीज़ देखने जा रहे हो, मॉल्स में जा रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो, एक चीज़ बहुत ही अच्छी है यहाँ पे कि ओमान में प्राइवेटाइजेशन अभी उतना नहीं हो रहा है जितना
अदर कंट्रीज में, जैसे यहाँ पे बीचेस वगैरह है, मॉल्स हैं, या फिर आप कहीं घूमने जाते हो, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसे टिकट नहीं है, लाइक एंट्री फीस नहीं है, एंट्री फीस नहीं तो 0 रुपीज़ आपको उसके देने पड़ते हैं। या अगर आप मूवी के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर 2.5 रियाल टू 3 रियाल मिनिमम कॉस्ट जो होती है वो पर पर्सन आपको कोई भी मूवी देखने जाते हो तो। अगर यहाँ पर इंडियन मूवीज़ भी बहुत सारे होते हैं तो आप इंडियन मूवीज़ भी यहाँ पर देख सकते हो, हॉलीवुड मूवीज़ भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, थर्सडे ही आ जाती है मूवी, अगर इंडिया में फ्राइडे रिलीज़ होने वाली है तो यहाँ पर थर्सडे ही मूवी आ जाती है, वीकेंड पर आप मूवीज़ भी देख सकते हो। तो आप 1 पर्सन का 2.5 टू 3 रियाल से स्टार्टिंग होता है, अगर आप अच्छे सिनेमा में जा रहे हो, अच्छा थिएटर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ेगी। सो एंड बीचेस वगैरह पे आप कोई फोर्ट देखने जा रहे हो या कहीं पे, अगर आप जबल शाम जबल अकबर ऐसी एरिया है आप कैंपिंग करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं लगता है, लाइक मीन्स वहाँ पे आपको कोई फीस चार्ज नहीं करता है गवर्नमेंट। अभी मैं बताऊंगी आपको ओमान में एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ पे आता है, वो हमारे हाथ में जो हम खुद सेव कर सकते हैं। ओमान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको ऑब्वियसली फ़ाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे ओमान से आप मास्क नहीं पहनते हो या आप यहाँ के रूल्स कोई होते हैं, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स होते हैं, सिग्नल पर आप गाड़ी अच्छे से नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप कुछ कचरा फेंक रहे हो या फिर आप थूक रहे हो पब्लिक प्लेस में, तो यहाँ पे वो क्राइम है। उससे स्टार्टिंग लाइक फाइन की स्टार्टिंग होती है फ्रॉम 10 रियाल टू 1000 रियाल तक भी फाइन होता है, या फिर जेल आपको जाना पड़ता है, डिपेंडेंट आपने कैसा क्राइम किया है। बट अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो, आप यहाँ के रूल्स फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका वो एक खर्चा आपका यहाँ पे बच जाएगा। सेकंड एक्स्ट्रा जो चीज़ यहाँ पे है विच इज़ लोन, अगर आप यहाँ पे लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो या फिर आप कोई भी आप पर्सनल लोन ले रहे हो, तो वो आपका मंथली एक्सपेंसेस EMI वो ऐड हो जाएगा। ओमान में एक्चुअली अगर आपकी सैलरी है मान लो 500 रियाल या 1000 रियाल आपकी सैलरी में मिनिमम बता रही हूँ, तो स्टिल आपके अगर आप 500 रियाल है तो आपके मिनिमम 100 रियाल आपके बच जाते हैं, इतना सब कुछ एक्सपेंसेस आप अगर लेते हैं। अगर आपकी उससे भी कम होगा, अगर आप मान लो अकेले आते हो यहाँ पे और आपकी सैलरी 500 रियाल है, या फिर अगर आपकी सैलरी 200 रियाल है, बट स्टिल आप ले लो यहाँ पे 20% आपकी सैलरी मिनिमम बच जाती है। अगर आपकी सैलरी 1000 रियाल के आगे है, तो मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो 50% भी यहाँ पे सेविंग हो जाती है। ओमान में ऑब्वियसली आप सेविंग पर्पज़ से आ रहे हो तो डेफिनेटली आप आओ, मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं जॉब्स के लिए भी मैंने वीडियोस डाले, आप ओमान में कैसे जॉब कर सकते हो, आपकी वाइफ के साथ आ रहे हो तो आप कैसे, यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आप सभी वीडियोज़ मेरे पक्का देखिए मेरे चैनल, एंड डेफिनेटली मेरे और भी वीडियोज़ हैं उसको पक्का देखना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।